हेलो एंड वेलकम ई बेस इजी बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि ई बेस के अंदर में कौन से ऑप्शंस है या कौन से फीचर्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने देखिए एक डैशबोर्ड खुला हुआ है जिसके अंदर में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही कि आपका डेली का सेल्स क्या हुआ है या यहाँ पर में आपका परचेस कितना है या GST कितना आपका आ रहा है, ये सब कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल डाल के यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं आपको सेल्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है, परचेस के लिए ऑप्शन मिल जाता है, रिसीट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इनकम एक्सपेंस के लिए ऑप्शन मिल जाता है, वाउचर एंट्री के लिए ऑप्शन मिल जाता है, रैपिड एंट्रीज के लिए ऑप्शन मिल जाता है, नेविगेट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बैलेंस शीट अगर देखना चाहते तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट में क्लिक करके बैलेंस शीट देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना चाह रहे तो प्रॉफिट लॉस में क्लिक करके आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखना चाह रहे तो ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ड्यू बिल एजिंग की सब रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और नीचे में आप देखेंगे तो डैशबोर्ड का सेटिंग आपको मिल जाएगा, कंपनी का सेटिंग मिल जाएगा आपको, आइटम या मास्टर अगर अल्टर करना तो वहाँ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप इस विंडो से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आ गए होम मेनू के अंदर में। अभी यहाँ पर कौन से ऑप्शन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सेल बिल के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सेल बिल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको सेल बिल कौन सा बनाना है, बिल इंक्लूडिंग टैक्स बनाना है, एक्सक्लूडिंग टैक्स बनाना है, नो टैक्स के साथ बनाना है, विदाउट आइटम बनाना है, कैश में बनाना है, क्रेडिट में बनाना है बिल आपको, या आपको डिलीवरी चलन बनाना है, या एस्टिमेट बनाना है, या परचेज रिटर्न का एंट्री करना है, या कोटेशन बनाना है, या प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। तो आप ये सब कुछ काम यहीं से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक आपको क्रेडिट मेमो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे क्रेडिट मेमो सेलेक्ट किया तो डेट आपका जो भी करंट डेट रहेगा वो आ जाएगा, या तो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज का ही डेट ले लेता हूँ। इसके बाद में से बिल नंबर का नेक्स्ट कॉलम आता है। बिल नंबर के लिए यहाँ पे देखिए आपको कॉलम मिल जाता है, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी कौन से पार्टी को हम लोग ये सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नाम यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे एक्सपायर एंटरप्राइजेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रेट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से रेट में हमको बेचना है, या जो हमने रेट टाइप सेट करके रखा है उसमें से कौन से ऑप्शन को हमको लेना है। तो हमने यहाँ पे रिटेल वाला रेट टाइप लिया हुआ है, वो उसके थ्रू हम लोग सेल करने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट को हमको सेल करना है वो प्रोडक्ट का नाम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया जीन्स, एक जीन्स ले लिया हमने 950 प्लस टैक्स के साथ में, आपका अमाउंट हो रहा है ये 1121 रुपया। इसको यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे, सेव। और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो आपको यहाँ पे बिल प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट में आपको प्रिंट करना है, या हाफ A4 के हाफ पेज में आपको प्रिंट करना है, या क्या लेटर में आपको बनाना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं आपको A4 में किस तरह से प्रिंट होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कर दिया हमने तो देखिए आपका इनवॉइस यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। ऊपर में आपका टैक्स इनवॉइस लिखा आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, आपका अगर कोई पंचलाइन है तो पंचलाइन यहाँ पे आता है, लोगो आ जाता है। इसके बाद में से आपका एड्रेस आ रहा है, कंपनी का ईमेल आईडी, GST नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, और जो हमने कस्टमर का डिटेल डाला था, कस्टमर का नाम, एड्रेस, कस्टमर का GST नंबर, यहाँ पे सारे सब कुछ दिख रहा है। बिल के ऊपर में बिल का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिख रहा है, या कस्टमर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट सेल किया हुआ है प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आ रहा है, कितना क्वांटिटी सेल किया वो आ रहा है, क्या रेट लगाया वो आ रहा है, टोटल अमाउंट आपका कितना बन रहा है वो आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको HSN का कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाती है। मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ। यहाँ पे नीचे में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस नाम से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आप अगर इसमें क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रिंट से रिलेटेड में सारी की सारी सेटिंग आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप HSN कॉलम प्रिंट करना चाह रहे तो यहाँ पे HSN में क्लिक कर देंगे आप, और अगर आपको सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसको अनचेक कर दोगे तो सीरियल नंबर वहाँ से अनचेक हो जाएगा। तो फिलहाल में मैं उसको रख रहा हूँ। इससे रिलेटेड में यहाँ पे सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। नीचे में आपको टैक्स इनवॉइस का हेड चेंज करना है तो कर सकते हैं, क्रेडिट में को नाम बदलना है तो बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माई GST इनवॉइस। आपको जो भी हेडिंग डालनी है आप आपके हिसाब से बदल सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हेड रखे हुए हैं यहाँ पर मैं कॉलम वन के अंदर में डिफ़ॉल्ट हेड है, और कॉलम हेड वन के अंदर में आपके हिसाब से आप हेड को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल में क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा आपको, अदर डिटेल मिल जाएगी, पेज फॉर्मेट आपको में मिल जाएगा, टर्म्स कंडीशन के लिए ऑप्शन में आ जाता है, टैक्स डिक्लेरेशन के लिए ऑप्शन मिल जाता है, लोगों के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि आप लोगों सेट कर सकते हैं,
पेमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिटेल्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अदर डिटेल आपको मिल जाती है, एडवांस कॉलम के लिए ऑप्शन मिल जाता है, सब्जेक्ट लाइन अगर आप बिल में प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वो मिल जाता है आपको, यहाँ पे अदर लोगों के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, आप एक लोगो तो लगा सकते हैं लेकिन साथ ही में अगर आपको एडिशनल कुछ लोगो लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड का भी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, तो बहुत सारा प्रिंट से रिलेटेड में यहाँ पे सारा सेटिंग अवेलेबल है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, हमने HSN का कॉलम ऐड किया, वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दिख रहा है। देखिए HSN का कॉलम यहाँ पर आ गया है, तो इस तरह से आप बिल के अंदर में पूरा के पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टैक्स इनवॉइस के पे यहाँ पर आ गया माय GST इनवॉइस आ गया, तो आप इनवॉइस को जिस तरह से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं आप पूरा के पूरा इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारी मदद के बिना। इसके लिए आपको आपको कॉल नहीं करना, ये यूज़र एंड पे हमने ऑप्शन दे रखा है, जो भी यूज़र इसको अल्टर करना चाहेगा या एडिट करना चाहेगा वो अपने एंड पे इसको कर सकता है। यहाँ से मैं स्किप करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप जितने चाहे उतने अलग अलग आप बिल के फॉर्मेट भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इजी स्टार्ट। हम लोग होम के अंदर में है, होम के अंदर में हमने सेल ऑप्शन देख लिया, फिर आता है इजी स्टार्ट। इजी स्टार्ट मतलब कि जो नए यूज़र रहते हैं उन लोग के लिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये डेबुक जिसको बोला जाएगा, ये डेबुक जैसा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप डिटेल्स डालते हो कि कौन से डिटेल्स से आपको कौन से डिटेल्स तक देखना है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें उसी डिटेल्स के हिसाब से आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, डेट आ जाएगा, वाउचर नंबर, वाउचर मोड आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, नरेशन आपको दिख सकता है, डेबिट का आपको एंट्रीज दिख सकता है, क्रेडिट का एंट्रीज आपको दिख सकता है, और नीचे में अगर आपको प्रिंट करना तो प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, प्रीव्यू के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, PDF के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, अल्टर करना है तो यहाँ से आप अल्टर कर सकते हैं एंट्री को, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं आप एंट्रीज को, या कोई फिल्टर यूज़ करना चाह रहे तो फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, लेजर देखना है तो यहाँ पे आपने जिस भी एंट्री को आप सेलेक्ट करोगे और लेजर में क्लिक करोगे तो आप उसके लेजर में चले जाएंगे, और यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो ये लेजर के अंदर डिटेल में आप आ चुके हो, जो भी आपका इसका देखना है बैलेंस कितना है डेबिट में क्रेडिट में जो भी है, तो आप यहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। मैं इसको एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको फिर कैलकुलेटर मिल जाता है, GST कैलकुलेटर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और GST के टैक्स परसेंटेज के हिसाब से इंक्लूडिंग टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे समरी मिल जाती है, EV बिल का प्रिंट आप निकाल सकते हैं, दिन में कितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आप देख सकते हो बिल के हिसाब से, लोडिंग शीट भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें अभी एग्जिट हो जाते हैं इसी स्टार्ट से। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग एंट्रीज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको एंट्रीज़ का एक मेन्यू मिल जाता है। अब इस मेन्यू के अंदर में आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जा रही कि बिल एंट्री करना है, सेल बिल बनाना है, परचेज बिल बनाना है, सेल्स रिटर्न है, या आपको पेमेंट रिसीट का एंट्री करना है, या इनकम एक्सपेंस का एंट्री करना है, या आपको रैपिड एंट्रीज आपको कुछ करना है, या आपको स्टॉक ट्रांसफर का एंट्री करना है, या फिजिकल स्टॉक का एंट्री करना है, पैकिंग का एंट्री करना है, या मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री करना है, बिल ऑफ मटेरियल आपको बनाना है, या वाउचर एंट्री करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, या सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर का एंट्री करना है, तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको एंट्री मेन्यू के अंदर में आपको यहाँ पर मिल जाता है। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यहाँ पर आप रिपोर्ट्स में अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स के अंदर में इतने सारे टाइप के अलग अलग रिपोर्ट मिल जाती है कि आपको रजिस्टर मिल जाएगा, डेबुक मिल जाएगा, लेजर मिल जाएगा, हाँ ग्रुप वाउचर का लेजर मिल जाएगा आपको, स्टॉक लेजर मिल जाएगा, यहाँ पर मैं गोडन वाइज स्टॉक रिपोर्ट मिलेगा, रैक वाइज आपको चीज़ें मिलेगी, आइटम मूवमेंट का आपको रिपोर्ट देख सकते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे रिपोर्ट्स रखी हुई है, ड्यू बिल एजिंग भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से फिलहाल मैं स्केप करके बाहर आता हूँ, फिर यहाँ पे मास्टर्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, फिर आप आइटम मैनेजर मिल जाता है आपको, आइटम लिस्ट आपको मिल जाता है, अकाउंट मैनेजर मिल जाता है, ग्रुप समरी आपको मिल जाती है, ग्रुप मैनेजर मिल जाता है, अगर आप एक्सेल से इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सेल से भी इम्पोर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, फिर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर बुक को रीराइट करना है या रिपोस्ट करना है या कुछ रिकवरी करनी है तो यहाँ पे ऐसे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे सेटिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कि फिर आपको यूज़र लेवल पर कुछ सेटिंग करना है, या वाउचर मोड में सेटिंग करना है, या ईमेल या SMS का सेटिंग करना है, या इजी वॉल डालना है, या टैक्स का रेट का सेटअप करना है, तो यहाँ पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको GSTR 1 मिल जाता है आपको GST फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। एक्सपोर्ट टू टैली का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाता है, अगर आप टैली में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर आप टैली से लेजर या स्टॉक का डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपकी मल्टीपल कंपनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करके आपके सामने कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, वहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका अगर लाइसेंस एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लाइसेंस भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपको डेमो का रिक्वेस्ट सेंड करना है ताकि हमारे एंड से आपको कॉल आए और आप इसका डेमो देख पाए तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सेंड डेमो रिक्वेस्ट।
ठीक है, एक्सप्लोर ईबेस। अभी इसके अंदर में F1 का ये फंक्शन दिया हुआ है या नेविगेट का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर में यूज़र को जो भी ऑप्शन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को सेल एंट्री के इस तरह से करते नहीं पता, तो यहाँ पे अगर वो सिर्फ सेल्स लिख के अगर एंटर कर देंगे तो सेल बिल में वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे अगर F1 प्रेस करके BS टाइप करता है बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे वो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो ये F1 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बहुत यूनिक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप यूज़र कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे उसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, कौन सा शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ करना है वो शॉर्टकट की मिल जाता है, कहाँ पर यूज़ होगा, कौन से स्क्रीन पे यूज़ होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपको अगर कंपनी सेटअप में अगर आपको जाना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप कंपनी सेटअप में आ जाएंगे। इसमें आपको कंपनी से रिलेटेड में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कंपनी का नाम अगर अल्टर करना चाहते हो, या एड्रेस अल्टर करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या पिन कोड या बाकी की जो भी आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप जो बिल पे प्रिंट करवाते हैं वो अगर आपको अल्टर करना, तो आप यहाँ से कंपनी सेटअप में से कर सकते हैं। और आपको साथ ही में यहाँ पे फिर अगर बिल एंट्री के अंदर में आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पे चेक मार्क के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये इसमें बेस्ट थिंग ऐसी है कि आप ये सेटिंग के अंदर में सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बारकोड चाहिए, तो आपने यहाँ पे बारकोड अगर सर्च किया तो आपको बारकोड से रिलेटेड में सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर बारकोड इनेबल करवाना तो इस पर आप चेक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको बैच एक्सपायरी का ऑप्शन मिल जाता है, लेजर में आपको क्या होना चाहिए, लेजर जो क्रिएट होता है उसके अंदर में अदर डिटेल आपको मिल जाती है, आइटम के अंदर में आपको कौन सी चीज़ें इनेबल करनी है या क्या रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंपनी सेटअप में मिल जाती हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग आपको पूरा फुलफिल करा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।